सैक्शन तंदुरुस्ती दे विच अज एक बार फिर साडे नाल ने साडे डाइट एक्सपर्ट हरसिमरत जी। हरसिमरत जी, वेलकम वंस अगेन टू द शो। थैंक यू। हरसिमरत जी, कहते हैं कि जो एक बंदे की ग्रोइंग एज होती है वो कुछ भी खा सकता है, उन्होंने पच जाता है, बट आफ्टर द एज ऑफ 40 असं वेखते हैं कि प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा वधन की। तो सानू दसो कि इसका कारण की है। इसका सारा पहला कारण यह है कि जो भी असी छोटी एज में होंगे साडा एक्टिविटी लैवल बहुत ज़्यादा होंगे, सो असी जो भी खाने सानू पच जाता है, प्लस साडी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस टाइम से ज़्यादा होंगी है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट जी है ज़्यादा होंगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिन्हों असी आम लैंगुएज कह सकते हैं, पर आफ्टर 40 एनर्जी रिक्वायरमेंट साड़ी घटती है, वो एक्टिविटी लैवल जोड़ा है वह भी घट जाता है। सो जे तुम ज़्यादा भी खा लेंगे हो, एक्टिविटी लैवल ताड़ा पूरा हैगा, वह तुम्हें पच जाएगी चीज़। जे तुम घट खा रहे हैगे हो, ताड़ी बॉडी उस चीज़ को अडैप्ट कर लेगी, तुम जिन्ना भी खाओगे वो भी ताड़ी बॉडी कुछ चीज़ को बचा के चर्बी में कन्वर्ट कर देगी। सो यह बहुत जरूरी हैगा कि आफ्टर द एज ऑफ 40, बल्कि मैं तो यह कहांगी कि एक आफ्टर द एज ऑफ 30 जिहड़ा हैगा वो तुम एक्टिविटी लैवल जिहड़ा हैगा वो अपना पूरा रखो। एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ वॉक असी जरूर रिकमेंड करने हैगे आ। सो जे तुहाडा एक्टिविटी लैवल पूरा होएगा तुसीं मोटापे तो बच सकते हो। हुण सानूं दस्सो कि आफ्टर द एज ऑफ 40 अपने वेट नूं कंट्रोल करन लई सानूं किस तरह की डाइट नूं फॉलो करना चाहिए। इस तो पहले मैं एक गल दसना चाहवांगी दर्शकों नूं कि जदों एक बच्चा 13 या 14 साल का हुंदा उदों तो ही उहदे जिहनूं असीं जे आम लैंगुएज कहीए कि हार्ट दीआं जिहड़ियां नाड़ियां हुंदियां ने या जिहनूं असीं आर्टरीज कह दें उहदे आस पास चिकनाई जमा होनी शुरू हो जाती है। सो जे आप उदों तो ही ख्याल रखना शुरू करिए, आफ्टर द एज ऑफ 30 जिहड़ा हैगा ये प्रोसैस थोड़ा फास्ट हुंदा, असीं इस प्रोसैस नूं डिले कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर डाइट। जिहड़ी डाइट हुण हैगी है उहदे विच आफ्टर द एज ऑफ 40 सानूं मैक्सिमम जिहड़ियां ने रॉ वैजीटेबल्स एंड फ्रूट्स इहदे उत्ते ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय कि असीं चपाती वगैरह लईए या स्नैक्स या फास्ट फूड जिहड़ा हैगा उह असीं खाइए। जिहड़ा भी तुसीं रॉ वैजीटेबल्स लओगे सैलड दे फॉर्म विच उहदे विचों तुहानूं रेशा मिलेगा जिहनूं कि आपां फाइबर अपनी लैंगुएज विच कहिंदे आ। इह तुहानूं इक ते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिहड़ी हैगी उह तुहाडे ब्लड विचों घट करन दी उहदे विच कपैसिटी हैगी है, इह तुहाडे ब्लड विच चिकनाई नहीं आउण देगा। दूसरा तुहानूं भुख जिहड़ी हैगी है भुख नूं घटाउंदा हैगा क्योंकि इह तुहाडे शरीर विच फुलदा हैगा तुहाडे पेट विच। सो जे तुहानूं भुख घट लगेगी तुसीं घट खाओगे। दूसरा जो भी असीं चीज़ पका के खाने उहदे विचों सानूं 50% न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं क्योंकि 50% हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स जिहड़े ने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उहदे नाल नाल सानूं इह पता हैगा कि साडी बॉडी च कुछ एंजाइम हुंदे ने जिहड़े डाइजेशन ते एब्जॉर्प्शन च हैल्प करदे ने, पर साडे जिहड़ा भी असीं फूड लैंदे आ उहदे विच वी एंजाइम्स हुंदे ने जिहड़े कि कुकिंग दे दौरान नष्ट हो जाते हैं। सो उह साडी डाइजेस्टिबिलिटी जदों असीं उही फूड खाने आ कुक्ड नूं घटाउंदे ने। सो इह बहुत जरूरी हैगा कि अलोंग विद जिहड़ा कुक्ड फूड हैगा असीं रॉ फूड जिहड़ा है उह वी जरूर लईए इन फॉर्म ऑफ वैजीटेबल्स इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। इस तों अलावा दाल सब्जी जिहड़े कि साडे 7 फूड ग्रुप्स ने जिहड़े कि मैं तुहानूं जल्दी नाल दस दिंदी हैगी आ कि जिहड़े वैजीटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गया, पल्सिस हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर एंड जैगरी हो गया, जिन्हें भी अपनी स्पाइसिस ने, नट्स हो गए, एक घट मात्रा में असी दसी गई मात्रा में यह सानू जरूर लैनिया चाहिए ने। हर ग्रुप विचों साडा थोड़ा थोड़ा शेयर जरूर होना चाहिए पूरे दिन की डाइट में और उन्होंने ही असं बैलेंस डाइट कहने। असं अक्सर वेखते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 40 जो उन्हों का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है लोग डाइटिंग शुरू कर देंगे, यानी दे गो ऑन अ डिटॉक्स डाइट कि सिर्फ फ्रूट्स खाने ने तो सिर्फ जूसिस पीने ने लिक्विड डाइट लेनी है, तो यह कितना सही है? यह बिल्कुल सही नहीं है। मेरे मुताबिक ताड़ी पूरी जी डाइट हैगी पूरे दिन की उद्दे 3 मील्स प्लस विच जिहड़े मिड मील्स हैगे ने उह लैने बहुत जरूरी ने। जदों तुसीं एक डाइट जिहड़ी भी तुसीं डीटॉक्सीफिकेशन जिहड़ी डाइट तुसीं कह रहे हो वह डीटॉक्सीफिकेशन कभी होया तुसीं हफ्ते विच या 15 या 20 दिनों विच एक अद्धी वारी कर ली दैट्स फाइन, पर जे तुसीं रेगूलर बेसिस ते करोगे तुसीं सारी जिंदगी इस डाइट ते नहीं रह सकते। तुसीं सारी जिंदगी फ्रूट्स या कोई भी होर एक किस्म के जिवें सूप्स हुंदे ने, सूप लोग हफ्ता हफ्ता सूप ले जाते हैं उहदे उत्ते नहीं रह सकते। तुहानूं एक प्रॉपर मील लैना जरूरी है क्योंकि प्रॉपर मील के नाल ही ताड़ी बॉडी के जिन्हें भी वाइटमिन्स न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हैगी पूरी होएगी। प्लस जदों भी तुसीं एक अपनी नॉर्मल डाइट पर आओगे तुहानूं बाउंस बैक बहुत जबरदस्त आएगा। जे तुसीं 6 केजीज लूज किया हैगा तो 12 किलो होकर वापस आ जाएगा। सो बजाय कि क्रैश डाइटिंग करन दे सानूं जिहड़ी भी अपनी डाइट हैगी उहनूं मॉडिफाई करना चाहिए है। जे असीं शुगर ज़्यादा लै रहे हैं सानूं शुगर की मात्रा घटानी चाहिए, जे असीं तेल ज़्यादा लै रहे हैं सानूं तेल की मात्रा घटानी चाहिए है पकाए हुए खाने में। जे असीं फ्रूट्स नहीं खा रहे या सैलड्स नहीं खा रहे सानूं फ्रूट्स ते सैलड्स ज़्यादा खाने चाहिए ने क्योंकि ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे पेट नूं एक सटाइटी वैल्यू जिन्हों की असीं फीलिंग ऑफ फुलनैस पेट भरिया रहिंदा है ये जिन्हों असीं कहने आ। सो यह जी चीज़ा हैगियां ने हेल्दी डाइट हैगी है। डाइटिंग के दौरान चपाती घट करके
यह सारिया जिन्हें भी वैजीटेबल्स ने जिन्हें फ्रूट्स ने सैलड्स ने इन्हों के उपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सो वो जो है वो एक ठीक तरीका हैगा अपनी डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू वेट घटाने का, प्लस ये जी एक्सरसाइज हैगी है एक रेगूलर वॉक हैगी बहुत जरूरी है। हरसिमरत जी, तुम सूँ आफ्टर द एज ऑफ 40 के आ रही प्रॉब्लम्स यानी कि ओबेसिटी बारे इन्नी सारी जानकारी दी, तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। माई प्लेजर।